लाख की रकम पेश करना चाहते हैं वहां जमा करके रसीद हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इस साल उससे भारी हजरत ने राशिद अली खान साहब को बनाया है, उनका दफ्तर भी वहां है, किसी को कोई परेशानी है तो उस दफ्तर से रब्ता कायम कर सकता है। पहली के ताकों से सुनिए के हमारे मेहमान और एक पौधेदार है जो इस ओर से रस्सी के इंतजामों इंतजाम में तनखी किरदार अदा करते हैं, उसमें हाजी जावेद साहब है, शाहिद खानूरी साहब है और अजय खानूरी साहब, तारिक सही साहब है, मौसी बदला साहब है, शाहिद बरकाती है, सैयद पादिक साहब है, सैयद काशिफ साहब है काशिफ और आले नबी, ये तमाम मंजूर खान और साजिद भाई, ये तमाम हजरात वहां पर बैठे हुए हैं। जिस किसी को कोई परेशानी है, किसी चीज की जरूरत है तो वो वहां पर जाकर के उनसे मदद हासिल कर सकता है। आपको बता दूं कि एक दो साल से बरेली शरीफ की एक बेटी है, कमसिन बेटी है और वो एक नहायत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। उस लड़की का नाम मनहा है, इसको जो बीमारी है उसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, खतरनाक बीमारी है। इसको एक इंजेक्शन लगना है जो अमेरिका से आएगा, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपया है, 16 करोड़ रुपया। मुल्क की बेशुमार हस्तियों ने इस बच्ची की मदद के लिए अपील की है, उर्से रस्ती के इस मेंबर से भी इस मनहा नाम की लड़की की मदद के लिए दरखास्त दी जा रही है। 11 करोड़ रुपया अब तक इकट्ठा हो चुका है, 16 करोड़ रुपया इनको इकट्ठा करना है। मेरी आवाज जो लोग भी सुनते हो यहाँ पर भी या बैरून मुल्क बैठ करके ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों से अपील है कि मनहा नाम की इस तकरीबन 1 साल या 1.5 साल बच्ची की मदद करें। इसके इसका इसका अकाउंट नंबर गवर्नमेंट ने खुलवा करके दिया है, वो इस्लामिया का जो गेट लगा हुआ है उसी के पास दीवार है, वहां पर एक फ्लेक्सी लगी हुई है, अकाउंट नंबर वहां पर मौजूद है, पीटीएम नंबर मौजूद है। आप लोग भरपूर इसका तआवुन करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्ची की जान की हिफाजत फरमाएगी और इसे महफूज महफूज रखेगा। बाज़ाब्ता मैंने बताया कि उर्से रस्ती इस साल उर्से रस्ती की ये तकरीब जो सरकारी मुफ्ती आलम के नाम से मंसूब है, ठीक 9 बजे इसका आगाज होना था, ठीक 9 बज चुके हैं। कारी यूसुफ रजा संभली साहब बिला तारीफ यहाँ माइक संभल ले और जो लोग यहाँ आ चुके हैं या फिर बात दिख रहे उनको थोड़े थोड़े वक्त के लिए पेश करते रहे, ताकि मेहमानों का जो जर्बे वकीर ओलमा का जो जर्बे वकीर आया हुआ है सबको कुछ ना कुछ वक्त मिल सके और सरकारी मुफ्ती आजम हिंद सरकारी आला हजरत सरकारी हुज्जतुल इस्लाम सरकारी रहाने मिल्लत सरकारी मुफस्सिर आजम हिंद और हमारे खानदानी आला हजरत के जुमला बुजुर्ग सरकारी काजी शरीला और दीगर हजरात की बारगाहों में वो अपना ख्याल पेश कर सके। काजी यूसुफ रजा संभली साहब बिला तारीफ माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में जो ऐसी ज़बान खुदा ना करे, तू मुझे पाक पढ़ के अगर कोई इब्तिदा ना करे, तू मुझे पाक पढ़ के अगर कोई इब्तिदा ना करे, उसे ये चाहिए फिर जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, उसे ये चाहिए फिर जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। चला गए हफ्ते नबी करके देखिए रोशन, चला गए हफ्ते नबी करके देखिए रोशन, मचाल क्या है हिफाजत को फिर हवा ना करे, मजान क्या है उबादी को फिर हवा ना करे। नहीं शबीले अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो तो मोहब्बत सलाम कहती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लका हमदुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन्नबी, या अय्युहल्लज़ीना
जो दाएं बाएं लोग खड़े हैं,
हासिल कर ले। जैसे कि मुझे ये हुक्म मिल चुका है, यहाँ आने वाला यकीम हो, अकीम हो, यकीम हो, शाही हो, कोई भी आता है तो अपना फन पेश करने के लिए नहीं, बल्कि सरकार आला हजरत सरकार उसकी आलमी की बारगाह में यूज़ बरकात हासिल करने के लिए आता है। तो लीजिए हमने आपके सामने सबसे पहले चंद अशआर के लिए बुलबुले गाजी साहब शाहकारे तरन्नो जनाब मोहतरम मोहम्मद आसिफ रजा साहब करेंगी को पेश करता हूँ, वो तशरीफ लाएंगे और इंशाल्लाह तसव्वुर ही तसव्वुर में आपको बताया हमारे जहाज से मदीना शरीफ ले जाएंगे। अगर आप जाना चाहेंगे तो दोनों हाथों को बताओ, जाना करके इस्तकबाल करेंगे, नारे का जवाब देंगे, नारे तकबीर। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह, जिस स्टेज पर बैठे नीचे मौला सरकार आला हजरत सरकार मुफ्ती आपके हित के वसीले से खुदा हम सबको मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे, दुनिया आखिरत में सरकार मरने के बाद जन्नत का हकदार बना दे। सारा मोहम्मद दोनों हाथों को हाथ बोले, नारे तकबीर। मामू जगह दे गाना मौलाना साहब कहाँ आए नहीं बाहर आ गया मंजूर सना करना मत बोले दुआ करना, मंजूर सना करना मेरे